दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और सापिर ट्रेन के आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा मॉन्स्टर को शॉन पीछे से आवाज लगाता है, इसलिए मॉन्स्टर वापस जाने लगता है। शॉन जोर से चिल्लाता है, तुम लोगों में से कोई भी बचकर यहाँ से नहीं जा सकता है। सभी लोग बाबा को याद करने लगते हैं। यहाँ पर बाबा एक बहुत बड़े ड्रैगन को बुलाते हैं और ड्रैगन पर बैठकर ट्रेन की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में ड्रैगन बाबा को ट्रेन के पास ले आता है। बाबा ड्रैगन पर से ट्रेन पर छलांग लगाते हैं। ट्रेन के ऊपर से आवाज आती हुई देख शॉन ज़ॉम्बीसों को ट्रेन के ऊपर जाने के लिए कहता है। सभी ज़ॉम्बीसों ने ऊपर देखा कि ऊपर बाबा खड़े हुए थे। बाबा ज़ॉम्बीसों को फाइट के लिए ललकारते हैं। एक ज़ॉम्बी बाबा के साथ दौड़कर फाइट करने आता है। बाबा और ज़ॉम्बी की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देते हैं। दूसरा ज़ॉम्बी दौड़कर बाबा को जोरदार लात मार देता है। बाबा ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ज़ॉम्बीस बाबा को गिराकर बहुत खुश हो गए थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि बाबा नीचे नहीं गिरे थे बल्कि बाबा ट्रेन के साइड पर लटके हुए थे। ज़ॉम्बीस बहुत खुश हो गए थे। तभी बाबा जंप लगाकर वापस ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बीसों की हंसी रुक जाती है। एक ज़ॉम्बीस बाबा से कहता है, बुड्ढे तू जिंदा कैसे बच गया? चुपचाप इस ट्रेन से चला जा, नहीं तो तेरी हड्डी भी नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे दोस्त से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। बाबा की बात सुनकर ज़ॉम्बीसों को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक ज़ॉम्बीस दौड़कर बाबा को लात मारने जाता है, पर बाबा साइड में हो जाते हैं। दूसरा ज़ॉम्बीस दौड़कर बाबा को मारने के लिए आता है, पर बाबा पहले ही उसे एक जोरदार लात मार देते हैं। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बीस बाबा के पीछे से आकर बाबा का गला दबा देता है। बाबा अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगते हैं। बाबा को तड़पता देख एक ज़ॉम्बीस डांस करने लगता है। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी शक्तियों से ज़ॉम्बी को जला देते हैं। बाबा का ये रूप देखकर ज़ॉम्बीस का डांस बंद हो जाता है। ज़ॉम्बी बाबा से बहुत डर जाता है और ज़ॉम्बी बाबा से बचने के लिए वहां से भागने लगता है, पर वापस ज़ॉम्बी के सामने बाबा आ जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बी के पसीने छूट जाते हैं और ज़ॉम्बी खुद ही ट्रेन से कूद जाता है और मारा जाता है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और रॉड छुपकर ही बैठे हुए थे। तभी उन लोगों ने देखा कि ट्रेन में एक टिकट चेकर आया हुआ था और वो टिकट टिकट चिल्ला रहा था। रॉड कहता है, ये तो टिकट चेकर है, ये जरूर हमारी मदद करेगा। गुल्ली ने कहा, नहीं रॉड, ये शॉन की कोई चाल भी हो सकती है। रॉड कहता है, पर मुझे तो ये नॉर्मल टिकट चेकर ही लग रहा है, रुको मैं उसके पास हेल्प मांगता हूँ। रॉड जल्दी से टिकट चेकर के पास आ जाता है और कहता है, अंकल हमें बचा लीजिए, हमारी जान खतरे में है। इस ट्रेन में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। टिकट चेकर ने कहा, बच्चे तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी टिकट चेकर रॉड की तरफ घूमता है। टिकट चेकर को आगे से देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वो भी एक ज़ॉम्बी सी था। टिकट चेकर कहता है, चलो रॉड मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, चलो मेरे साथ। ये बात सुनकर रॉड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमें रॉड की जान बचानी होगी बुल्ली, नहीं तो ये ज़ॉम्बी रॉड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली तो चलो इसे मजा चखाते हैं। इतना कहते ही गुल्ली और बुल्ली दौड़कर जाते हैं और ज़ॉम्बी को जोरदार लात मार देते हैं। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। गुल्ली और बुल्ली को देखकर रॉड भी फाइट के मूड में आ जाता है। ज़ॉम्बी खड़ा होता है। रॉड गुल्ली और बुल्ली को साइड पे हटने का इशारा करता है। रॉड और ज़ॉम्बी के बीच फाइट शुरू हो जाती है।
रॉड जॉम्बी को नीचे गिरा देता है। तभी गुल्ली कहता है, चलो जल्दी से हम लोग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं, नहीं तो शॉन और वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएंगे। गुल्ली की बात मानकर सभी लोग दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। गुल्ली कहता है, वाह रॉड, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खतरनाक फाइट करते हो। रॉड अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी रॉड का ध्यान उसके हाथ पे जाता है। रॉड ने देखा उसके हाथ पर नाखून के निशान पड़ गए थे और खून निकल रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे हरा हो रहा था। पर रॉड डर के मारे ये बात गुल्ली और बुल्ली को नहीं बताता है और थोड़ी ही देर में सभी लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉड पूरी तरह जॉम्बी में बदल जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या रॉड गुल्ली और बुल्ली को खत्म कर देगा या फिर बाबा सभी लोगों की जान बचा लेंगे? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और सापी ट्रेन पार्ट 5 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।